फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुष्पिता आज आपको की चेन सिखाऊंगी, जिसमें आपको गणेशा का की चेन बनाना सिखाऊंगी, छोटा सा बाल गणेशा टाइप का की चेन। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो है ये की रिंग लेना है, उसके अलावा मैक्रेम लेना है, मैक्रेम के साथ साथ फिर कुछ बीड्स मैंने लिए हैं, छोटे छोटे रेड और ग्रीन बीड्स की ज़रूरत पड़ेगी वो लिया है, ये लाइटर की ज़रूरत है स्टिक करने के लिए, प्लस सीजर है। ये देखिए कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये दो कॉर्ड मैंने अटैच कर लिया है, ये जानते ही हैं कि किस तरह से अटैच किया जाता है। ये दो कॉर्ड अटैच करके उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी इसको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको हमको कैसे करना है, ये आप देखिए कि इसको फोर कॉर्ड को ले करके इस तरह से स्टार्टिंग करनी है हमको। स्क्वायर नॉट लगाना है, प्रीवियस में स्क्वायर नॉट लगाना आपको बता चुके हैं। फिर से ये इस तरह से, और इसके बाद फिर इस साइड से हम लेते हैं, ये देखिए कि ये आपका स्क्वायर नॉट लगाना है हमको इस तरह से। एक बार लगाने के बाद हमको सबसे पहले इसमें ये दो कॉर्ड ले करके इसमें एक जो है स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से, ये बीड्स लगा करके फिर से स्क्वायर नॉट लगाना है। इस तरह से देखिए स्क्वायर नॉट लगा लिए। अब इसके बाद जो है हमको इस साइड से ये उसको अटैच करना है, तो इसको सबसे पहले देखिए कि इस तरह से रखना है, ऐसे रखेंगे और ये दो कॉर्ड को लेकर के हमको अटैच करना है। इसमें रेड कलर की बीट्स लगाएंगे, दो कॉर्ड को हमको अटैच करना है। उसके बाद इस फोर कॉर्ड को लेकर के इस तरह से देखिए इस साइड इस तरह से कॉर्ड अटैच हो गया। नेक्स्ट इस साइड भी हमको कॉर्ड लगाना है। इसी तरह से बीचों बीच करके और यहाँ पर ऐसे रखना है, फिर ये दो कॉर्ड को हमको लेके मोती लगानी है। इस तरह से बीट्स दूसरा सब
देखिए मैंने इतने बीड्स अटैच कर लिए इस तरह से, और 10 कॉर्ड्स पूरा टोटल हो गया इसमें। दो कॉर्ड पहले लगाया था और 4-4 कॉर्ड और अटैच किया। अब इसके बाद देखिए कि इसको हमको क्या करना है, फर्स्ट कॉर्ड को लेकर के और उसके बाद हमको इसकी पाइपिंग करती चले जानी है। इस तरह से हम पाइपिंग कर देंगे। इसके बाद इसके डबल पाइपिंग कर देंगे इस तरह से। एक पाइपिंग पूरी कंप्लीट हो गई, अब डबल पाइपिंग हमको करनी है। इसका पहला कॉर्ड लेकर के हमने इसकी पाइपिंग स्टार्ट कर दी। ये देखिए डबल पाइपिंग मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो सेकेंड कॉर्ड है, फर्स्ट छोड़ के सेकेंड कॉर्ड है, इसमें जो है हम बीड्स लगाएंगे इस टाइप के। ये बीड्स लगा करके उसके बाद पाइपिंग शुरू कर देंगे इस तरह से। फिर डबल पाइपिंग करना है मुझे। अब इसके बाद हम दो कॉर्ड की पाइपिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर बीड्स लगाएंगे। दो कॉर्ड्स के उसके बाद फिर नेक्स्ट पर ये बीड्स लगा के फिर से यहाँ पर पाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही टोटल ये पूरा बीड्स लगा के पाइपिंग कर लेना है। ये देखिए ये बीड्स लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब इसके बाद 4-4 कॉर्ड लेकर के हमको इस तरह से नॉट बनाते जाना है। कॉर्ड छोड़ देंगे इधर के, दो कॉर्ड छोड़ देंगे और इसके बीच में हम दो स्क्वायर नॉट लगाना।
उसके बाद फिर ये दो फर्स्ट हुए छोड़ा के, दो ये नेक्स्ट, फिर भी दो ऐसे, फिर दो नेक्स्ट, इस तरह से फिर इसको तीन नॉट बन जाएंगे। उसके बाद फिर टू, फिर वन, यहाँ तक कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट किया है इस तरह से। ये जो है आपको बताया था पहले फाइव, फिर फोर, थ्री, टू, वन, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस साइड से पाइपिंग करते हुए आए, फिर एक बीट्स लगा दिया और ये फिर सेकंड पाइपिंग कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर थ्री कॉर्ड्स के बाद जो है मैंने ये थर्ड कॉर्ड में ब्लू मोती जो है वो लगा दी। और उसके बाद इस साइड से पाइपिंग, इस समय इस साइड से पाइपिंग आ रही थी, अभी इस साइड से पाइपिंग आ रही। और ये आप देखिए कि इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका एक एक कॉर्ड लेकर के हमको बैक साइड जाना है, और उसके बाद फिर इसी में हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे। अब ये हमारी पाइपिंग स्टार्ट होगी। इस तरह से थोड़ा टाइट कर लेना है फर्स्ट ये, और इसके बाद इस तरह से हमको टोटल पाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ये वाला कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड जो है, इस तरह से हम टोटल पाइपिंग करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक लास्ट आ गया। इसके बाद फिर इसी तरह से हमको आगे बढ़ते जाना, फर्स्ट कॉर्ड को फिर जो भी इस तरह से है ये टोटल हमको ऐसे ही पूरा इस तरह का हमको पूरा बनाते जाना है। लास्ट तक यहाँ तक हम बना लेंगे और उसके बाद फिर इसके जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ पे इसके ईयर्स लगाने हैं, इस पोर्शन पे हम लगाएंगे 8-8 कॉर्ड्स जो है वो अटैच करेंगे। और उसके बाद आपको ईयर बताना बताएंगे कैसे ईयर बनता है। फर्स्ट इसको हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, और इस तरह से। और उसके बाद थोड़ा सा ये, अब इसको हम यहाँ से
कट करके स्टिक कर लेंगे। ये जो है इसका पूरा ये कट कर देंगे और इसको थोड़ा सा लाइटर से स्टिक कर लेंगे बाद में। इसके बाद देखिए मैंने इस तरह से ईयर बना लिया है इसका। अब ईयर बनाने के लिए आपको जो है इस साइड से 8 कॉर्ड अटैच करने होंगे। इसमें 8 कॉर्ड मैंने अटैच इस तरह से कर लिया है, इस गैप में 8 कॉर्ड लगा लिया है और इस तरह से 4-4 का नॉट लगाना है हमें। ये 4 कॉर्ड को इस तरह से देखिए 4 कॉर्ड है, 4 कॉर्ड को ले करके हमको इस तरह से अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद इस जगह से हम इसको इस नॉट लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम, और उसके बाद ये इस साइड से ले करके ये नॉट कंप्लीट कर लेंगे हम। ये आपका नॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर भी आपका इस तरह से हमने अटैच किया था यहाँ पर कॉर्ड, और इस कॉर्ड को 4-4 कॉर्ड ले करके हमको अटैच कर लेना है। ये 4 कॉर्ड को और स्टिक कर देना है। ये टोटल जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा करके इस तरह से काट लेना है हमें, एक्स्ट्रा कॉर्ड जो भी है। और उसके बाद हमको ये जो है इसको स्टिक कर लेना है लाइटर से, लाइटर हो कैंडल हो। ये वाला भी जो मैंने बताया कि इसको भी थोड़ा सा स्टिक कर लेना है जिससे ये खुलेगा नहीं। ये देखिए थोड़ा अच्छे से इसको गरम करके स्टिक कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आपका गणेशा इस तरह से वॉल हैंगिंग की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह का कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटा सा इस तरह से गणेशा बन गया है। ये आप इसको इसके सहारे हैंग कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करेंगे जिससे मेरे किसी भी नए वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।